दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कौन है जानते हैं? शिवहर। कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर, सबसे छोटा शिवहर। तो दोनों बात आप याद रख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। देखिए, क्योंकि तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, अरुणाचल प्रदेश का है 83,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, पश्चिम बंगाल का है आपको 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 88,000। तो सबसे समीप है बिहार का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। नेक्स्ट, बिहार का कौन जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? कौन है आपको? देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर मानचित्र पर आएंगे, ई वाला बिहार के मानचित्र पर आइए। देखिए, यहां पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है ना जी? नहीं, झारखंड, झारखंड है, समझ गए। बिहार के दक्षिण में झारखंड है, तो ई है झारखंड, समझ गए। ई जो है, ई वाला एरिया है झारखंड। और बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ई वाला एरिया है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कौन ऐसा जिला है जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पर आपको रोहतास है, रोहतास की अगर आप बात करेंगे तो ये तो झारखंड के साथ सीमा बनाता ही बनाता है। साथ ही साथ अगर आप इधर आएंगे तो इधर जो है आपको यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, यूपी के साथ भी सीमा जो है आपको बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास, रोहतास। और सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतासे है। पूरे बिहार में सबसे साक्षर जिला रोहतास, साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतासे का, रोहतास का आदमी सब पढ़ा लिखा होता है बड़ी। और देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप कहिएगा एक दिन में सब चीज क्लियर हो जाए, तो एक दिन में सब चीज क्लियर होने वाला है? आज अभी तक में कम से कम 10-15 पॉइंट बिहार से रिलेटेड आप जाने या नहीं जाने, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला, समझ गए, बिहार का चौहदी, सब चीज जाने। फिर अगले टेस्ट में जो है बिहार से संबंधित और कुछ जानिएगा, फिर उससे आगे धीरे धीरे जो है आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, समझ गए। अब आगे आ जाइए, तो वो जो क्वेश्चन था बिहार के भूगोल से था, अब जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन है बिहार के इतिहास से, फिर बिहार के राज व्यवस्था से, सब चीज को लेकर के चल रहे हैं हम, समझ गए। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह का उम्र क्या था? देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ है 1777 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1777 ईस्वी में। और 1857 के विद्रोह के समय उनका उम्र पूछ रहा है, तो हमको क्या करना होगा? 1857 में से 1777 को घटा देना होगा। तो जब हम घटाएंगे तो 0, 5 में से 7 जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा कितना? 8 ना। तो कुंवर सिंह जब 1857 के विद्रोह में भाग ले रहे थे तो उनका उम्र क्या था? 80 बरस ना जी। तो अगर मान लिया जाए इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको टिक करना है तो 75 को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? लेकिन 75 को टिक नहीं करेंगे, 75 को टिक नहीं करेंगे। हम दिए हुए थे 80 बरस, टाइपिंग वाला मिस्टेक किया है, समझ गए। 70 को 80 बनाइए आप, 70। एक बात हम बता दिए कि अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले तो आंसर के करीब का जो होगा उसको आंसर टिक करना है, आंसर के जो करीब का होगा उसको आंसर टिक करना है। और अगर एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तब तो ठीक ही है। तो इसमें आप सुधार कीजिएगा गुरुजी लोग, और लिख लीजिए 80 और इसी को बना लीजिए आप अपना आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ना जाए।
जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से अंग्रेजों को बाहर कर दिए और उसके बाद वीर कुंवर सिंह कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश। कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश। और उनका भाई जो अमर सिंह था वो जगदीशपुर में रह करके समानांतर सरकार चलाने का काम किया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? उस समय पटना का आयुक्त था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। और आप सब लोग जानते हैं 1857 का विद्रोह बिहार से शुरू हुआ है कब से? 12 जून 1857 और पटना से 3 जुलाई 1857 और पटना से नेतृत्व करता पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। और उस समय पटना के आयुक्त हुआ करते थे विलियम टेलर। विलियम टेलर। नेक्स्ट, पटना कॉलेज की स्थापना हुई है। देखिए जो पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज की स्थापना ब्रिटिशों द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। वर्ष 1863। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में वार्षिक अधिवेशन बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन माधोलकर ने किया था। किसने किया था? आर एन माधोलकर ने किया था। और जानते हैं इस अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व किस बात को लेकर है? आप समझिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए ओ ह्यूम का निधन वर्ष 1912 में हुआ। और वर्ष 1912 में ए ओ ह्यूम का निधन हुआ और उनके निधन होने के बाद ही कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और जब ए ओ ह्यूम के निधन होने के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ, तो कांग्रेस के लोगों ने ए ओ ह्यूम को श्रद्धांजलि दिया। और इसी अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया। इसी बात को लेकर के यह अधिवेशन जो है काफी ज्यादा महत्व का हो जाता है। और आप इस बात को जानिए, यह जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, कुछ बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ बुक लिखता है 27वां वार्षिक अधिवेशन है और कुछ बुक लिखता है 28वां वार्षिक अधिवेशन है। तो 1912 के कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन को जो है कुछ बुक 27वां वार्षिक अधिवेशन लिखता है और कुछ बुक 28वां वार्षिक अधिवेशन लिखता है। किस आधार पर 27वां होगा और किस आधार पर 28वां होगा, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, कुछ इतिहासकार का मानना है 1907 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि यह अधिवेशन नहीं हुआ था, यह अधिवेशन सफल नहीं हुआ था, यह अधिवेशन हुआ ही नहीं था। तो कुछ इतिहासकार जिनका मानना है कि सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो वो 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन को कंसिडर नहीं करता है। और जब कंसीडर नहीं करेगा तब 27वां हो जाएगा, और अगर 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन को कंसीडर करेगा तब आपको 28वां हो जाएगा। तब आपको क्या हो जाएगा? 28वां। क्या हो जाएगा? 28वां। कुछ दिमाग में गया? और ऐसे
यह प्रश्न पूछा है किसी परीक्षा में, आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग 28वां को टिक करना था। क्या टिक करना था? 28वां। तो किस सिचुएशन में 27वां और किस सिचुएशन में 28वां हमने आपको क्लियर कर दिया है, समझ गए। अब जब प्रश्न आएगा ऑप्शन में जो रहेगा, अगर दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है तो उसको टिक कर देना है, और अगर दोनों है तो इस कंडीशन में 28वां के साथ जाइएगा, ज्यादा बेटर होगा, समझे। चलिए इसके बाद आप आगे थोड़ा और समझिए, वर्तमान के बिहार की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान के बिहार में कांग्रेस का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ, वर्तमान के बिहार में 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ, वर्तमान के बिहार में जो 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ, एक तो 1912 बांकीपुर, एगो 1922 गया, 1922 गया, और वहां पर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, समझ गए। तो 12, 10, 28, 10, 38, तो वो 38वां था, वो केमा था 38वां। क्लियर है बात, वर्तमान के बिहार के विषय में हम आपको बताएं। अब आगे, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, नहीं तो आप अवगत होंगे इतिहास पढ़ते हुए, भारत में स्वशासन की स्थापना हो, भारत में स्वशासन की स्थापना हो, इसको लेकर के 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में, श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम की, और यह होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा था। उसमें बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व करता थे मजहरुल हक। कौन थे? मजहरुल हक। बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न हुआ, और बिहार के इतिहास में भी स्वतंत्रता आंदोलन से ही प्रश्न उठाए हैं, समझ गए, और प्राचीन बिहार के चीजों से भी अवगत करवाएंगे, मध्यकालीन बिहार के चीजों से भी अवगत करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है।